कितने परसेंट मर्द मानते हैं कि औरतें पीरियड्स के दौरान हमेशा झगड़ा शुरू करती है? मुक्का मार दूंगी मैं तो बता रही हूँ। तो देखते हैं क्या है लेडीज का एवरेज परसेंटेज। 40, 50, 60, 70, 80%। Wow, that's a big number. Okay, let's see what the gentlemen have to say. तो आपको लगता है कि 90% men think कि periods के दौरान औरतें झगड़ा शुरू कर देती हैं? Irritable तो होती हैं। But that's normal. That's acceptable. So झगड़ा उसी से शुरू हो जाता है। नहीं, actually मेरा झगड़ा होते ही उसी time पे। क्योंकि सजारा वही संभालना पड़ता है। उस टाइम पे इनको छोटी छोटी बातें भी मतलब बुरी लग जाती हैं, है ना, चाहे टॉपिक कुछ भी ना हो, है ना, खाना क्यों नहीं खाया, ये मतलब कोई बहाना चाहिए अपना पूरा गुस्सा निकालने का। जरूरी नहीं है कि जब भी हम झगड़ा कर रहे हैं किसी वैलिड बात पे, ये मिसकंसेप्शन है कि हम जरूर हमारे पीरियड्स में होंगे। वैलिड झगड़े का कोई एग्जाम्पल पॉइंट नहीं, हम मोस्टली वैलिड झगड़ा ही करते हैं। वही एग्जाम्पल, टाइम पर नहीं आना, मेसी रूम रखना, या तो हम जो बोलते हैं उसको सुनना नहीं, ऐसे तो लाइन लग जाएगी करण। तो आपको ये नहीं लगता कि जब आप क्रैंकी होते हो, जब आप पीरियड्स पे होते हो, तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है इन चीजों पे? एक होता है कि क्रैंकी होना या तो एक कंप्लेन करना, पर ड्यूरिंग पीएमएसिंग वो थोड़ा सा एनहांस हो जाता है। वो तो हम सिचुएशन बताए, वो तो तुम वैसे भी रहते हो। इन दैट सिचुएशन नजायज रगड़े जाते हैं लड़के। एक तो हम लोग इरिटेटेड है, ऊपर से तुम लोग बोलते हो आर यू पीएमएसिंग, व्हिच इज इरिटेटिंग इवन मोर। अरे अगर इंसान सवाल पूछ रहा है कि देख ऐसा होता है कि आप एक सेकंड, फॉर एग्जांपल हम डिनर करने गए हैं और सडनली लड़की जो है भड़क जाती है किसी ऐसी रीजन से कि लेट आया, ठीक है, तो बंदा सोचता है यार ये क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, सुन आर यू पीएमएसिंग। अच्छा मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने अपनी पार्टनर से पूछा है कभी कि आईयूपीएमएसिंग? हाँ भाई, जब हम हमारे झगड़े होते हैं ऐसे मतलब बिना किसी बात के, तो मैं सोचता हूँ यार ये बात पे तो झगड़ा नहीं बनता, मैं बोलता हूँ बीबी तो आपको पता है ना, तो बोलने की क्या जरूरत है? इट टेक्स टू हैंड्स टू क्लैप ना, व्हाई आर यू ऑल फाइटिंग देन? उसके बाद वैसे ही करते हैं ना। मैं एक चीज बोलता हूँ, हाँ जी, 19 सालों में मैंने एक बार भी नहीं पूछा। वेरी गुड, तभी तो 19 साल हो गए। अरे अरे अरे, बट दैट इज सो इरिटेटिंग कि अदर पर्सन हैज टू आस्क कि ओ यू आर चार्मिंग। लड़कियों उस पॉइंट तक क्यों पहुंचो कि लड़कों को पूछना पड़े कि आर यू पीएमएसिंग? हमारे कंट्रोल में नहीं होता है ब्रो। तो उसकी गलती भी हमारी है, तो हम पूछ लेते हैं कि क्या हुआ माता। क्या हुआ, ऐसे क्यों पूछना है, क्या हुआ? अच्छा ऐसे पूछ सकते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं, टॉक लाइक दैट ना, क्या हुआ, ऐसे क्यों करना है? वी जस्ट वांट लव एट दैट टाइम, वापस भी कुछ मत बोलो हमसे। नहीं मतलब वही हो गया ना, साडा कुत्ता तोडा कुत्ता टॉमी। चलो बात कुत्ते और टॉमी से आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या है इंडिया की सोच। इंडिया की सोच है 60%। मुझे लगता है कि इंडिया की सोच हमारी यहाँ की सोच से काफी ज्यादा लिबरल है। लिबरल है भाई, खुशी हो रही है आंसर देख के एक्चुअली में। अगर हमें खुशी है कि लोगों की सोच बदल रही है ना, लेकिन हमें ये भी सोचना है कि आपको आपकी सोच बदलना जरूरी है। एग्जैक्टली, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ओनली ऑन फ्लिपकार्ट विद यू, वॉच प्ले विन नाउ।